Ryan Little. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And जैसे कि आप मेरे background को देखकर मतलब थोड़ा guess कर ही सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ. So मैं शादी वाले घर पे हूँ और मेरी cousin sister का आज बैचलरेट पार्टी है. सो ये एक होता है ना शादी का स्टार्टिंग है. एंड हम लोगों ने बहुत पहले से ये डिसाइड किया था कि बैचलरेट पार्टी करेंगे. एंड हमने थीम भी तब डिसाइड किया हुआ था. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है. ठीक है. एंड सब कजिन्स ने पहना हुआ ब्लैक ड्रेस. एंड जो हमारी सिस्टर है उन्होंने पहना है वाइट. सो थीम के अकॉर्डिंग हमारा ये है कि हाँ हमारा ये थीम चल रहा है कि ब्राइड पहनेगी ऑल वाइट एंड हम सब कजिन्स पहनेंगे फुल्ली ब्लैक ड्रेस. एंड या सो बाकी हम डेकोरेशन वगैरह दिखाएंगे आपको. फॉर दैट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो या दिस इज़ द डेकोरेशन बाहर का बालकनी का बालकनी एरिया का डेकोरेशन है ये. एंड यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है बट नाइट में कुछ मैं दिखा नहीं सकती. सो इसको हम इग्नोर करते हैं. बाकी दिस इज़ द डेकोरेशन. एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है. एंड देन यहाँ पे हम लोगों की बैठने की जगह है और ये जस्ट इग्नोर दिस. सो या दिस इज़ द डेकोरेशन. हाय गाइस. ये सारे मेरे कजिन्स हैं और ये हम सब ने मिलकर डेकोरेट किया है. ब्राइड टू बी. Look at the decoration, guys. Seriously, मैंने बहुत मेहनत से ये डेकोरेट किया हुआ है. आई होप कि दीदी को ये बहुत पसंद आए. एंड ये है मेरी मासी की बेटी माई कजिन सिस्टर कोमल. एंड ये मैं इसकी मासी हूँ. ये मेरी बेटी है और ये मेरे मामू की बेटी है मुस्कान. ये है मेरी रियल सिस्टर वंशी. सो दिस इज द डेकोरेशन ब्राइड टू बी. And the cake is here, bride to be. ये भी बहुत ही ज़्यादा beautiful दिख रहा है and delicious, yummy. Can't wait to eat this. हाँ ये वाला decoration भी मैंने दिखा दिया है. So क्या कहना चाहते हो आप लोग? Are you guys excited? Yeah! Excitement में देख सकते हो आप इन लोगों की शक्लें. ये मेरी मामू की बेटी है. ये बहुत शर्मीली है. हाँ पहले सब लोग अपना अपना वो दिखा दे आउटफिट. हाँ OOTD करते हैं. सब पहले कोमल का OOTD हो जाएगा एंड देन वंशी एंड देन मुस्की. या ब्यूटीफुल. सो दिस इज मौसम. सॉरी. ओके तो ये है हमारी शर्मीली बहन. सबसे ज़्यादा शर्मीली ये बिल्कुल अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती है. और क्या आप मेरा देखो दिखाओगे? यस यस. आउटफिट ऑफ कोर्स. सो दिस इज माय आउटफिट. सबसे प्यारा तो मेरा ही है. मेरी चॉइस इतनी प्यारी है कि क्या ही बोलूँ मैं. सो यहाँ से आप देख सकते हो ये है मेरा ब्रदर. ये मेरे मामू का इकलौता छोटा बेटा. I'm just joking. ये भाई को मार दिए तो नहीं नहीं मारे. ठीक है ठीक है. मैं जोक कर रही थी. ये है मेरा सबसे प्यारा भैया. क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया आपका? जिंग में. अरे शायद नाम बदनाम है. वो ना करवे. अच्छा शक्ल दिखाओ ना यार. नहीं यार शक्ल दिखाने लायक. चेहरा तो दिखाओ जरा सा. साफ कीजिए बस. और आशा क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं. ये लोग सारे काले चुड़ैल बने हुए हैं तो आप कृपा करें इनको इग्नोर करें. और बाकी तो कुछ नहीं. बाकी सब खुश रहे आबाद रहे आजाद रहे. भैया को दिखा दिया था और मैं जा रही हूँ नीचे. बैचलरेट पार्टी. सो या मैं यहाँ से नीचे जा रही हूँ दीदी के रूम में. एंड ये है हमारे भैया और जीजू. हाय कर दो. चाचू नहीं दिख रहा तुम्हें? आओ आचो. हाय से. हाय यूजिन. ये मेरा व्लॉग है. ना व्लॉग का मत बोलो. अरे हाय तो बोल दो भाई. चलो जूही बेचे कर दो. ना कैमरा शाही है ये. इनको इग्नोर करें प्लीज. ये
ये संजना तो दरवाजे के साइड में संजना है और ये इन तीनों को तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है। ये है हमारी प्यारी प्यारी आरती एंड ये है मेरी रियल सिस्टर और ये है हमारी आज की ब्राइड टू बी। हाय। हाँ ये है हमारी दी एंड ये है हमारी बीच वाली दी और ये है हमारी उससे बड़ी वाली दी। फिर सब रेडी हो रहे हैं, इनको पहले रेडी होना था बट ये थोड़ा लेट हो गया, हम लोग पहले रेडी होके आ गए थे। क्या कर रही है तू? अच्छा हेयर स्टाइल। सो व्हाट, हम ऊपर से नीचे आ गए क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे इसलिए, है ना। तो मैं इनका पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ हमारी आज की ब्राइड का। ये है इनका होल आउटफिट। ये सारे दीदी का वेट कर रहे हैं। सभी दीदी आने वाली, दीदी की एंट्री हो गई अभी। दीदी का वेट। अब हमारी एक कजन नहीं आई हुई है, उनका वेट चल रहा है इसलिए केक नहीं कटेगा अभी। हमारी ब्राइड अपने फोन में व्यस्त है इस वक्त।
बाहर आ गए। इनका दिल बाहर आ चुका है और इनका आखिर रिजल्ट भी आ गया है। अब कैमरा मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे ही शूट करना पड़ेगा बाकी का। ब्लॉगर के साथ साथ फोटोग्राफर भी बनना पड़ रहा है मेरे को। फायर पे ये है हमारा भाई और इनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, गलत मत समझ लो, कुछ और नहीं है, ठीक है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कैमरा नीचे रख देती हूँ। दिस इज द चिकन और ये दीदी सबको सर्व कर रही है और ये कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही है। थैंक यू सो मच ब्रो। ये लड़की चुपके चुपके से बाहर केक खा रही है अकेले अकेले। आउच मेरे बाल, मैंने तो खा लिया। मैं चली अभी कोल्ड ड्रिंक लेने, मेरे को कोल्ड ड्रिंक लाने का काम दिया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक या लेट्स गो बाय। फिलहाल मैं कोल्ड ड्रिंक लेके जा रही हूँ। मैं अच्छा क्यों तो नहीं जो ये कोल्ड ड्रिंक ला रही है। ऑलरेडी इंग्लिश ऐसा क्या है? उधर पर उधर है नल बुद्धो में यार। तू क्या पीछे चिपकी हुई है? नल बुद्धो नल बुद्धो दो है यार। आंटी फिर से हम मिल गए, कोई बात नहीं, मिलते रहते हैं। ये जब भी आप इसको देखोगे सिर्फ केक के आसपास ही देखोगे क्योंकि ये है एक मक्खी। ये केक मक्खी बड़ी जच्ची दी क्या कर रही है? मुझे के मुझे पता है गाइस, आप लोगों में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में भी आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में मुंह नहीं तो रिएक्शन देखेंगे। इसको चिकन के ऊपर लगाना है, ठीक है? खट्टा नहीं लगता क्या? इसका रिएक्शन देखने में तो मजा आता है। लेट्स सी योर रिएक्शन नाउ। आजे को खिलाओ ये नो रिएक्शन देखेंगे। अच्छा एक बार यूजर विनर। अच्छा रिएक्शन था वो, मैं तेरा रिएक्शन देखेंगे नींबू खाने के बाद क्या आता है।
ये चिकन खाते हुए कंचना प्लीज उत्तराखंड घुमाएंगे शर्माते हुए और ये हमारी और ये आज इनका फेवरेट ही चिकन है इसलिए हमेशा चिकन के आसपास दिखेंगे ये मौसम अपनी कोल्ड ड्रिंक के साथ फिर से केक के आगे पीछे घूमते हुए हैं पूरे टाइम ये केक के आसपास ही दिखेगी आपको और ये मेरा कोल्ड ड्रिंक गाइज बहुत गर्मी है इधर देख सकते हो हम दोनों बरामदे में निकल चुके हैं पसीना पसीना आ गया हम बाहर थोड़ा हवा खाने आए हैं साइड में साथ में हम ये भी चिकन एंजॉय कर रहे हैं हाँ बहुत मजा आ रहा है अभी इसके बाद हमें फिर से डांस करना है आज पूरी रात हमने सो रहे हैं हम सिर्फ डांस 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 कर रहे हैं दैट्स इट या सो मिलते हैं जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है हमारी लाइफ में बाय तो अभी थोड़ी सी हवा खा रहे थे हम तो फिर देखो आप देख सकते इतना अंधेरा छाया हुआ है पूरे गुलाबगढ़ में तो हमारा घर ही सिर्फ चमक रहा है तो कल मेहंदी है मेहंदी के दिन हम और व्लॉग शूट करेंगे हाँ मेहंदी का व्लॉग ज़रूर शूट करेंगे हम सब मिलकर पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा बट हाँ मतलब हम ट्राई करेंगे हम पूरा अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि हम मेहंदी का व्लॉग लाए आपके लिए और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे हमने बहुत कुछ प्लान किया है सो या बेयर विद अस हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे आपको पार्टी खत्म होने को है और ये लोग अभी भी नाच रहे हैं बिना वजह के और ये हमारे बड़े भैया बड़े शर्मीले हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था ये ब्राइड हमारी अभी थक गई है ब्राइड सोने जा रही है और ब्राइड्स मेड भी सोने चले हैं क्योंकि इनको बहुत नींद आ रही है ना ब्रो यस यस ब्रो ये तो खड़े खड़े सो रहे हैं देखो पार्टी खत्म होने के बाद ये हाल है इनका तो यार गुड नाइट बाय हम लोग चले अपने घर अभी हम अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहती इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे से बात कर रही हूँ ये देखो इन लोगों की हालत आपके पार्टी इनकी ये हालत हो रही है तो फाइनली गाइस हम अपने घर वापस आ चुके हैं और ये मेरा रूम है एंड ये है मेरे कजिन्स वगैरह एंड हमारा डांस हमारा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी सब कुछ ख़त्म हो चुका है और रात के 12:30 बज रहे हैं और हम अभी सोने लगे बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं मतलब डांस खाना पीना वगैरह करके हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड फाइनली वी आर स्लीपिंग हम एक ब्यूटी स्लीप लेंगे शट अप एक मिनट हाँ हम एक ब्यूटी स्लीप लेंगे एंड आफ्टर दैट आई कैच यू हमारी मेहंदी परफॉर्मेंस पे
Oh, 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 oh